we have today a new preparation of dal that is known as dal kalai. Dal kalai is a Bengali style. So we call it sometimes Bengali dal kalai, right? So dal kalai mein kuch nahi hai, main important ki what kind of lentil we are using. So we are using udad wash ki hui, theek hai, split wali. इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है जो आपको फ्लेवर आएगा वो आएगा सौंफ का, जब हम टैम्परिंग करेंगे. फिलहाल तो हम इसको उबालते हैं. गेट मी वाटर. ये दाल को हम प्रेशर कुकर में उबाल, आप चाहे तो वैसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप प्रेशर कुकर में ही बनाएं. ठीक है, इसमें हम उबालते वक्त क्या करेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और स्लिट की हुई ग्रीन चिली. ये ग्रीन चिली स्लिट की हुई मैं डाल रहा हूं, राइट. और हल्दी का है, ओके. हल्दी थोड़ी सी, सॉल्ट. अब इसको मिक्स कर लेते हैं. और कुछ नहीं डालना है, बस जब हम इस दाल उबल जाएगी उसके बाद जब हम इसको टेम्पर करेंगे देन वी विल यूज सौंफ और जिंजर का पेस्ट निकाल लिया हमने. देखो सौंफ और जिंजर का, इससे हम टेम्परिंग करेंगे और हींग वगैरह तो जाएगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उबाल लेते हैं. ठीक है, इसका ढक्कन लगाएं. सॉल्ट, हल्दी और क्या डाला मैंने, ग्रीन चिली स्लिट करके डाल दी है. इसमें कुछ नहीं, अभी इसको उबालना है. मेन खेल है, मेन टेम्परिंग का इसमें फ्लेवर है. तो इसके बाद वी विल डू द टेम्परिंग. टेम्परिंग जो होगी आपकी सौंफ और जिंजर का पेस्ट है हमारे पास, हींग, थोड़ा सा जीरा और क्या चॉप कोरिएंडर. चाहे तो आप स्लिट स्लिट की भी ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं. दैट इज नोन एज दाल कलई इन बंगाली स्टाइल, बिकॉज बंगाली पीपल लव इट. एनी डाउट? थैंक यू. रेडी हो गई हमारी, ये हमने सीटी पका दी है इसकी और यू कैन सी द टेक्सचर इज कम्प्लीटली फाइन. हमें ऐसी करनी है, ठीक है. अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें टेम्पर तड़का मारना है. तड़का हम यहाँ मारेंगे. टेम्परिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको, देसी घी और थोड़ा ऑयल. सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है, सौंफ और जिंजर, जो कि हमने सौंफ और जिंजर का पेस्ट बनाया था ये हम इसमें डालेंगे, राइट. हींग डालेंगे थोड़ी और हमारा ये मैंने डाला ये सौंफ और जिंजर का पाउडर, मतलब पेस्ट जो हमने बनाया था. ये मेन फ्लेवर है दाल कलई में, ठीक है. हल्का पानी दो. इसको थोड़ा सौते कर लेंगे, ठीक है. और कोई भी मसाला नहीं डालना नमक के अलावा. थोड़ी हींग डालेंगे. बस अब हम जो दाल हमारी है उसको हल्का सा पानी और डाल रहा हूँ मैं, जिससे कि लंप पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं. अब जो ये मेरी दाल है ये आम एडिंग टू इट. आप इसमें सिर्फ एक उबाल लेंगे. विल टेक वन बॉयल, विल टेस्ट इट, विल एडजस्ट द सीजनिंग एंड इट्स योर दाल कलई इज डन. ओके, नाउ एक बॉयल आ गया, आई विल टेस्ट. बहुत अच्छा सॉफ्ट का फ्लेवर आ रहा है और हींग का भी एंड नमक इज परफेक्टली फाइन एंड दिस इज डन. नाउ वी गोना टू सर्व इट. देख रहे हो बिल्कुल ऑयल नहीं है इसमें, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, सिर्फ सौंफ और हींग का तड़का है.
ग्रीन चिली स्लिट की हुई है वो आ रही है इसमें। इवन यू कैन गिव इट टू स्मॉल किड्स, बस थोड़ा सा चिल्ली का ध्यान रखें। गार्निश धनिया की मार देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास रोगन है यू कैन ऐड रोगन ऑल्सो, मैंने आज रोगन नहीं बनाया है, ठीक है। सो दिस इज दाल कलई। एनी डाउट? वेरी सिंपल बट अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ सौंफ का, बहुत अच्छा फ्लेवर है। दिस इज बंगाली स्टाइल। एनी डाउट? एंजॉय योर दाल कलई। थैंक यू।